हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टार बाय भूमिका। और मैं हूं आपकी दोस्त भूमिका। अगर आपको फैशन, ब्यूटी और हॉल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो आज का एपिसोड है #BridalTruzzo Series Episode 3। हाँ जी, हम episode 3 पे पहुँच चुके हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, पर हाँ हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपको अपने ब्राइडल ट्रूज़ो में एक्सेसरीज क्या क्या रखनी चाहिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो कपड़ों और फुटवेयर के बाद हमारी बारी आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ब्राइडल ट्रूज़ो में सब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेसरीज की, जिसपे आपकी बैंगल्स आएंगे और आपके बैग्स आएंगे, आपकी ज्वेलरी आएगी कि आपको क्या क्या ज्वेलरी रखनी चाहिए। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं आपसे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे ज्वेलरी के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे बोलूँगी कि जो भी आप अपनी ब्राइडल ज्वेलरी ले रहे हो उसे आप परचेज करो, ना कि रेंट पे लो। क्या जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है वो हमें आगे काम आती है। अब आपका आउटफिट कैसा है उस अकॉर्डिंग आपकी ज्वेलरी हो जाती है। तो हर कभी ना कभी किसी ना किसी फंक्शन, शादी वगैरह, पार्टी में आपको ज़रूरत पड़ती है और फिर वो काम आती है। तो मैं सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ कि मैंने अपनी ब्राइडल ज्वेलरी, आपको इमेज भी लगा दूँगी यहाँ पे, कैसी ली थी और क्या थी वो। तो कुछ इस तरीके से मुझे ये रिसीव हुई थी। ये एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मैंने ली थी। आपको मेंशन कर दूँगी, या फिर हाँ मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, है ना, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। बहुत ही रीजनेबल रेट पे देते हैं ये लोग और बहुत अच्छी होती है। सॉरी, तो मैंने ये ली थी ज्वेलरी क्योंकि मेरा आउटफिट मरून कलर का था, तो उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। अगर आप कलर व्हील्स के बारे में जानते हो तो उसमें ये ऑपोजिट साइड यही कलर आता है, तो मैंने ये लिया था। बहुत प्यारा है ये चोकर, चोकर सेट है। इसके साथ आपको ये बड़ा वाला मिलेगा। मैंने नहीं पहना था बड़ा वाला क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत हैवी हो जाएगा पूरा लुक, तो इसलिए मैंने इसे नहीं पहना था। इस तरीके से इसमें आपको झुमके मिल जाएंगे। अभी मैंने वो निकाल रखा हुआ है उसका, वो नीचे का कभी पहना होगा इसलिए फिर फिट नहीं किया। और इस तरीके से यहाँ मांग टीका था, ये है झुमके का नीचे वाला और ये है इसका मांग टीका। ये आपसे मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि ये ज्वेलरी कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएगी। आप खुद सोचो, किसी वेडिंग में जाना हुआ, किसी पार्टी में जाना हुआ, तो आप फिर सोचने लगते हो। अब गोल्ड ज्वेलरी ना कोई नहीं पहनता, वो सिर्फ शादी में आपको अदला बदली हो जाती है बस, उसके बाद किसी का मन नहीं करता। बहुत रेयर हुआ कि अगर आपने कांजीवरम या सिल्क में कोई ऐसी साड़ी पहनी है तो आप पहन लियो, अदरवाइज़ कोई नहीं पहनता। तो इस तरह की ज्वेलरी आपके काम आती है। इसी तरीके के मैं एक दो और आपको दिखा देती हूँ ऑप्शन, जो आपके ब्राइडल ट्रूज़ो में आपके साथ जानी चाहिए। जैसा कि एक ये पीस है, बहुत प्यारा सेट है, देखिए जो मैंने अभी पहना हुआ है उसके साथ भी कितने अच्छे से जा सकता है ये, बहुत प्यारा लगेगा इसके साथ भी और इतना सुंदर लगता है ये। ये कई तरीके से आप वेयर कर सकते हो, कई आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हो। इसके साथ आपको इस तरह की इयररिंग्स मिल जाएगी, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी। आप बहुत तरीके से इसको पहन सकते हो आउटफिट के साथ। आपके पास मेरे हिसाब से एक कुंदन की होनी चाहिए, एक ग्रीन स्टोन में होनी चाहिए और एक इस तरह की रेड होनी चाहिए, बहुत इनफ होता है वो। फिर शादी के बाद आप अपने हिसाब से लेते रहो। या मैं ब्राइडल ट्रूज़ो की बात कर रही हूँ तो उसमें इतना तो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सेट आपके साथ ज़रूर आपके ब्राइडल ट्रूज़ो में जाना चाहिए, जो मुझे लगता है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि हमारा और क्या होना चाहिए ज्वेलरी के बाद। ज्वेलरी के बाद आता है, हम अगर साड़ी ले रहे हैं तो उससे मैचिंग हमारे पास चूड़ियाँ होनी चाहिए, बैंगल्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो सेफ साइड आप बैंगल्स गोल्डन कलर के रख लो और सिल्वर कलर के रख लो, ठीक है। वो हर से मैच मिसमैच कर करके
पा सकते हो, अपने तरीके से उस चूड़ी को बना सकते हो, जैसा आपकी साड़ी है या आपका सूट है अगर आप पहनते हो तो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ कि इस तरीके का आपके पास चूड़ा होना चाहिए। आपकी शादी में रहते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है ना, लोग पहनते हैं, अभी सब ये इधर उधर होके रखा हुआ है, तो इस तरीके का आप चूड़ा डाल सकते हो। नए नए में अच्छा लगता है इस तरह का मोटा सा कड़ा अगर है आपके चूड़े में, तो आप सिंपल भी एक दो चूड़ियाँ लगा के उसे भी पहन सकते हो। तो इस तरीके की आपके पास चूड़ा होना चाहिए, एक सेट तो चूड़ा ज़रूर रखना चाहिए, काम आ जाता है। ठीक है, इस तरह की प्लेन चूड़ियाँ रख लो, बहुत अच्छा है, हर आउटफिट के साथ जाएगा आपके। रेड तो हर तरह के जाता है, मतलब न्यूली वेड के लिए तो बहुत अच्छा है, तो उनके लिए तो बेस्ट है। तो इस तरह की चूड़ियाँ आपके पास आपके ब्राइडल ट्रूज़ों में होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब हम आते हैं अपने तीसरे उस पे, जो कि हर ब्राइडल ट्रूज़ों में ये होना ही चाहिए, तो वो है हमारा पर्स। हाँ जी, फिर वो क्लच हुआ या हैंडबैग हुए, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर मैं कुछ ऑप्शंस दिखाती हूँ आपको जो मैं अपने ब्राइडल ट्रूज़ों में लेके आई थी। सबसे पहले आपके पास एक इस तरीके का रेड कलर का क्लच बोल लो या स्लिंग बैग बोल लो, ये दोनों है, आप एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हो और इसे स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ कैसे, क्योंकि देखिए इसमें ऐसे आपको चैन वाला मिला हुआ है, तो आप एज ए इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और क्लच भी ये बहुत अच्छा है। मैं सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिन जिन के होंगे, तो ये बहुत प्यारा है, मतलब मैंने इसे जब देखा था मैंने कहा अरे ये मेरे में तो होना ही चाहिए ब्राइडल ट्रूज़ों में। अगर रेड कलर का आपके पास पर्स नहीं है तो फिर क्या है ना। फिर एक इस तरह का होना चाहिए गोल्डन कलर का, जो कि हर आउटफिट के साथ चला जाता है और बहुत अच्छा लगता है, कई तरीके के जिसमें गोल्डन वर्क है भी और नहीं भी हो, जैसे प्लेन भी साड़ी है और जैसे आपकी कांजीवरम सिल्क विल्क हो भी, तो उसमें गोल्डन का होता है, कहीं ना कहीं होता ही काम है, तो उसके साथ ये बहुत प्यारी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का गोल्डन ले सकते हो। फिर आप एक इस तरीके का ब्लैक कलर का भी क्लच ले सकते हो। ये सब जो भी मैं दिखा रही हूँ उसको आप एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हो और एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हो कितना प्यारा है, ये आपके भी बहुत सारे आउटफिट के साथ जा सकता है, सूट वगैरह पे पहन सकते हैं, तो ऐसा कलर है जो हर के साथ जाता है। फिर आप इस तरह की एक पोटली बैग ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ कैरी नहीं कर पाते, तो इस तरह की एक पोटली बैग आप अपने हिसाब से अपने पसंद की ले सकते हो। ठीक है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर है। ठीक है, और आपको एक ऐसा या दो ऐसे बैग ज़रूर रखने चाहिए जो नॉर्मल हैंड बैग्स होते हैं, यानी कि जैसे कि ये है मेरा, मैं ये लेके आई थी अपने साथ। ठीक है, इसको भी मैं एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकती हूँ और हैंड बैग भी, पर मैं ज़्यादा हैंड बैग यूज़ करती हूँ, बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल सा है, ब्लैक एंड बेज कलर में, और बहुत अच्छा है, हर आउटफिट के साथ जाता है। ठीक है, या तो आप एक सॉलिड ब्लैक कलर का भी ले सकते हो, वो भी हर के साथ जाएगा सकते हो। और एक्सेसरीज के साथ अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी सेफ्टी पिन, हेयर पिन हो गए, ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आपके ब्राइडल ट्रूज़ों में आपके साथ जानी चाहिए, जो कि काम आती हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रखते हैं ये चीज़, जैसे शैम्पू साबुन ये सारी चीज़ें भी रखते हैं, क्योंकि इन्हें ले रखना चाहो अपनी पसंद से, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपको नहीं पता, आप अपनी पसंद के शैम्पू सोप्स ये सब ले जा सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनकी शादी होने वाली है या फ्यूचर में होगी, तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए अगली बार मिलूंगी, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।